Yes, right. देखिए जो भी डिक्रिप्शंस आपको हम देने जा रहे हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। हमारा प्रयास होगा आपको इसे योग्य बनाना कि सुनकर किसी भी तरह के किसी भी क्षेत्र के हर शब्द को बनाने के लिए आपके अंदर क्षमता आ जाए। तो उसी के तहत जो है योजना है, कुरुक्षेत्र है, प्रतियोगिता दर्पण है और AFEIAS के द्वारा इम्पोर्टेंट न्यूज क्लिपिंग्स जो है ऑल ओवर इंडिया के जो पेपर्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज क्लिपिंग्स है उससे हम डिक्टेशन दे रहे हैं और ये डिक्टेशंस जो है बार बार आपको लिखाएंगे भी, जिससे कि हर क्षेत्र के यूं कहें कि दुनिया के किसी भी, चाहे वो पेपर हो चाहे मैगजीन हो, उसके हर शब्द को लिखने की आपके अंदर क्षमता हो और शब्दकोश अथाह है, समुद्र की तरह है। तो आप ये न समझ लें कि जितना लिख लिया है वो आपके लिए पर्याप्त है। उसमें नित आपको और लिखना है, तभी जो है हम ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश पर अपना वर्चस्व कायम कर पाए। और जब हमारा वर्चस्व कायम होगा तो हम औरों से निश्चित तौर पर आगे होंगे, और जब आगे होंगे तो सिलेक्शन पहले हमारा होगा, उसके बाद किसी और का होगा। तो इस कार्य योजना के तहत तैयारी होनी चाहिए। चलिए लिखें जरा पुनः। तो ये डिक्टेशन आपको जो है मैं योजना से ही दे रहा हूं। इसका संपादक ही है, महत्वपूर्ण जो है। और आपको एक चीज और बता दें, शासन द्वारा जो भी नई नीति या कार्य योजना तैयार की जाती है देश के हित के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में देश के हित के लिए जो कार्य योजना तैयार की जाती है, उसका ये जो संकलन है, उस संकलन का जिस्ट है यहाँ, जिसको हम संपादकीय कह रहे हैं, वो उस महा की मैगजीन का संक्षिप्त सार लेख है। उसको आप लिख लेंगे तो मैं समझ रहा हूं पूरी मैगजीन में आने वाले अच्छे अच्छे शब्दों को आप अच्छी तरह से लिख सकें। यस, प्रगति के पथ पर भारत आज कई क्षेत्रों में लगातार विकास की बुलंदियां छू रहा है। आधारभूत संरचना, नवोन्मेष, अंतरिक्ष तकनीक, संसाधनों के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में हमारे देश का प्रदर्शन बेहद सराहनीय है। शासन संचालन के तौर तरीकों, नीतियों के निर्माण और संस्थानों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार से लेकर अंतरराष्ट्रीय मापदंड तैयार करने तक भारत खुद को आधुनिक राष्ट्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया में उसने अपनी मजबूत पारंपरिक जड़ों को भी सुरक्षित रखा है। भारत ने वैश्विक मंच पर विशिष्टता और सम्मान हासिल किया है। देश में बदलाव का पहिया ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहा है जहां सरकार न सिर्फ प्रदाता है बल्कि वह अब लोगों को सक्षम बनाने की भूमिका में है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर भारत को बदलाव की चुनौती का मुकाबला करना है तो सिर्फ सामान्य विकास से काम नहीं चलेगा, इसके लिए बुनियादी बदलाव की जरूरत है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि भारत में बदलाव, शासन में बदलाव के बिना नहीं हो सकता और शासन प्रणाली में परिवर्तन, सोचने के तौर तरीकों में बदलाव के बिना संभव नहीं है। सोचने के तरीके में बदलाव, परिवर्तनशील विचारों के बिना
मुमकिन नहीं है। भारत में शहरी ग्रामीण कृषि औद्योगिक और संगठित असंगठित कौशल आदि का अनोखा मिश्रण है। इसी तरह भारत की विकास योजना भी विचारों और प्रणालियों के लिहाज से अलग है। भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी बस्ती है और इसके मद्देनजर यहाँ जबरदस्त संभावनाएं हैं। प्रगति की दिशा में रोजगार और कौशल विकास के लिए योजनाएं MSME पर जोर और भारत के अध्ययन जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 चंद्रयान 2 अभियान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे उपायों के कारण भारत विकास की दौड़ में काफी आगे निकल चुका है। देश के जल संसाधनों के संरक्षण विकास और प्रबंधन को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए नीति संबंधी दिशा निर्देश तैयार करने के मकसद से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। साल 2024 तक $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए आधारभूत संरचना, वित्तीय सेवाएं, ई गवर्नेंस, बैंकिंग, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और संभार तंत्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ये योजनाएं भारत को इस लक्ष्य के लिए तैयार करने में काफी मददगार होंगी। देश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, स्मार्ट शहर, स्वच्छ भारत, भारत माला समेत कई तरह के अभियान शुरू किए गए हैं। प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी तंत्र राष्ट्र निर्माण का एक अहम हिस्सा है जो यथासंभव तेज विकास के लिए समग्र राह तैयार करेगा। इन उपायों से सार्वजनिक भागीदारी और समावेशी अभियान पहले से बेहतर तरीके से संभव हुआ है और आम लोग विकास की कहानी में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। इस प्रक्रिया में भारत वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ है और इस दिशा में हो रहे वैश्विक प्रयासों में भी योगदान कर रहा है। जनता के हित में विकासोन्मुखी, पारदर्शी और सक्रिय भूमिका के लिए सरकार लोगों की प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट, आजीविका में विविधता से ग्रामीण गरीबी हटाने के प्रयास। जैसा कि चिरस्थायी विकास लक्ष्यों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गरीबी एक बहुआयामी समस्या है, इसलिए इससे निपटने के लिए कई तरह के उपाय करना जरूरी है। नीचे दिए गए चित्र में गरीबी से मुक्त ग्रामीण समुदायों के निर्माण की चुनौती को प्रदर्शित किया गया है। स्थिति में बदलाव लाने के लिए कृषि से इतर गतिविधियों से आजीविका कमाने और रोजी रोटी के एक से अधिक साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र का आधा और सेवा क्षेत्र का एक तिहाई पहले ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। जाहिर है कि आजीविका विकास और इनमें विविधता लाने के कार्यक्रमों के जरिए आय और रोजगार बढ़ाकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका में विविधता लाने, गरीबी कम करने और इसके माध्यम से गरीब परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के वित्तीय खर्च में काफी बढ़ोतरी की गई है। तालिका 1 में दिए गए ग्रामीण विकास विभाग का 2012-13 से 2017-18 का वास्तविक खर्च और वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों से यह बात साफ तौर पर
सामने आ जाती है। 2017-18 में वार्षिक खर्च 2012-13 के खर्च से दोगुने से अधिक है। यह बात ध्यान में रखने की है कि इस अवधि के दौरान गरीबी का की समस्या के समाधान के लिए 4 अतिरिक्त स्रोत थे। कार्यक्रम के अंतर्गत हिमालयी राज्यों के लिए साझेदारी का अनुपात 90-10 और गैर हिमालयी राज्यों के लिए 60-40 था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिनमें पहले केंद्र और राज्य की साझेदारी 75-25 की थी, वहीं साझेदारी 60-40 हो जाने पर राज्य सरकारों के 3 साल में 45,000 करोड़ रुपए के खर्च पर केंद्र ने 81,975 करोड़ रुपए का व्यय किया। इसी तरह दिसंबर 2015 से राज्यों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी 40% अंशदान देना प्रारंभ किया। इससे राज्यों को 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने लगी जो पहले उपलब्ध नहीं थी। ऐसे ही बढ़ोतरी 75-25 की साझेदारी से 60-40 के तहत लाए गए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि में भी हुई। खुशहाली, बुनियादी ढांचे, प्रधानमंत्री आवास योजना, आजीविका, जीविका, अर्थव्यवस्था, बहुआयामी समस्या है। गतिविधियों, रोजी रोटी, विनिर्माण क्षेत्र, विविधता, अनुमानों, सामने आ जाती है। यस, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में ऊपर से लागू की गई योजनाओं को कार्यान्वित और क्रियान्वित करने की जो व्यवस्था की गई है जिससे देश का विकास हो सके, उसी के तहत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैटर हम लिखा रहे हैं, इसको इसके एक एक शब्द पर बहुत अच्छी तरह से गौर करना है, बहुत संभाल के लिखना है। यस यस, राइट ऑन, मेडिटेशन को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। यस, राइट ऑन। विकास का एजेंडा पुरातन काल से ही हर अच्छे शासक की आकांक्षा रही है कि उनका साम्राज्य हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के शासक हों या फिर मिस्र, रोमन, यूनानी या मेसोपोटामिया सभ्यताओं की बात हो, सभी जगहों पर ऐसा देखा जा सकता है। उस दौर के बाद के वक्त में अकबर, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, टीपू सुल्तान,
आदि राजाओं ने भी अपने साम्राज्य के बेहतर शासन के लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। ये सभी शासक अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए प्रजा के सर्वांगीण सामाजिक विकास, आर्थिक विकास की अहमियत को समझते थे। देश के वास्तविक विकास के लिए आज कई मॉडलों पर विचार किया जा रहा है। आज विकास को सिर्फ किसी देश के आर्थिक विकास के लिहाज से नहीं आंका जाता है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और किसानों के कल्याण, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार के मौके जैसे मानकों को भी शामिल किया जाता है। भारत सरकार भी देश के विकास को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों में पीछे नहीं है। देश में मौजूदा मंत्र फिलहाल समग्र विकास का है, ताकि विकास का फायदा सबसे गरीब लोगों तक पहुंच सके। इस मंत्र को सुनिश्चित करने के हिसाब से ही सरकार की नीतियां भी बनाई गई हैं। अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हुए सरकार ने जीएसटी और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जैसे कदमों के जरिए कर ढांचे को तर्कसंगत बनाया है। जीएसटी देश में अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है, जो देश में कर संग्रह का दायरा बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। कर सूचना नेटवर्क TIN, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न मंजूरी और एकीकरण प्रणाली ई सहयोग आदि ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाया है। दुनिया का डिजिटलीकरण हो रहा है, ऐसे में क्या भारत पीछे रह सकता है? बिजनेस प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिस्टिक के जरिए विभिन्न सेक्टरों में डिजिटल तकनीक को तेजी से अपनाए जाने से सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और इसे लागू करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली ई मार्केट प्लेस, भीम ऐप के जरिए डिजिटल भुगतान संबंधी लेन देन आदि के कारण नए इंटरफेस के जरिए सरकार की सक्रियता बढ़ रही है। स्वच्छ भारत मिशन वास्तव में जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। सरकार के इस बेहद अहम व फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया काफी जबरदस्त रही है। 2 अक्टूबर 2014 से अब तक 7 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है। अक्टूबर 2014 में जहां गांव में साफ सफाई की पहुंच का आंकड़ा 39% था, वहीं अब यह 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर 83% पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं विकास का एक और अहम पहलू है। वाजिब कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं मिलना गरीबों के लिए चुनौती रही है। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मौजूद केंद्रों के जरिए इस चुनौती से निपटने की कोशिश की गई है। कमजोरों की सुरक्षा करना सरकार के एजेंडे में बेहद अहम रहा है। इसकी शुरुआत लड़कियों को लेकर लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश के साथ की गई है। इस संबंध में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जेंडर चैंपियन जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। तकलीफ के दौर में से गुजर रही महिलाओं और बच्चियों के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। साथ ही हिंसा की शिकार लड़कियों और औरतों के लिए पुनर्वास का इंतजाम किया जा रहा है। इन तमाम पहल के जरिए सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारत में हर महिला और बच्चे भयमुक्त माहौल में रह सकें और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने की हसरत रखें। देश के विकास के लिए गाँव का विकास बेहद अहम है। सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं मसलन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के जरिए किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी को दोगुना करने जैसे मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। साथ ही इन योजनाओं के जरिए गांव और शहर के बीच खाई को भी पाटने का प्रयास किया गया है। विकास कभी संयोगवश नहीं होता, यह लोगों के साथ मिलकर काम करने का नतीजा होता है और भारत में लोग देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
Yes. आपने घर में लैब में बैठ के कुछ रिसर्च वर्क किया है कि नहीं किया है आपने? मैं समझ रहा हूँ निश्चित तौर पर किया होगा, क्योंकि आप सभी जो है अब जागरूक भी हो गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा जागरूक नजर भी आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जागरूकता आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी, निश्चित तौर पर पहुंचाएगी। यस, राइट डाउन। यस महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक जीवन प्रणाली है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही है। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं, चाहे आप गांधी जी को लें, चाहे मेरे पिता को। उन्होंने हमारा रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षाओं से बनाया। उन्होंने अहिंसा शब्द को एक आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसे जाते थे, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है जहां किसी लोकतंत्र में इतनी बड़ी बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी इस प्रकार विभाजित विपक्ष की बातों को इस प्रकार बर्दाश्त कर रही हो। विपक्ष को लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी कुछ लोग इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो आज बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। आज दिन जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है उनमें से कुछ तरीके तो लोकतंत्र की जड़ पर ही प्रहार कर रहे हैं। यदि कानून का शासन समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। यदि कानून को निरंतर तोड़ा जाएगा और व्यवस्था को भंग किया जाएगा तो लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। इस स्थिति में लोकतंत्र का अस्तित्व तो ही रह नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ये जानते हैं कि पुलिस और मजिस्ट्रेटों को कितनी नाजुक और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है इस सदन में कितनी बार पहले शिकायत की गई कि पुलिस समय रहते कार्यवाही नहीं करती, और मान लीजिए यदि किसी दुकान से लूटे जाने अथवा किसी अन्य हिंसा के होने से पहले पुलिस कड़ा कदम उठाती है तो भी उसकी आलोचना की जाती है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। यस, राइट ऑन। पुनः महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक जीवन प्रणाली पर, हमारे आदर्शों पर और हमारी उन परंपराओं पर हमला है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही हैं। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं, चाहे आप गांधी जी को लें, चाहे मेरे पिता को। उन्होंने हमारा रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षाओं से बनाया। उन्होंने अहिंसा शब्द को एक आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था,
लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसे जाते थे, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है जहां किसी लोकतंत्र में इतनी बड़ी बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी इस प्रकार विभाजित विपक्ष की बातों को इस प्रकार बर्दाश्त कर रही हो। विपक्ष को लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ लोग इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो आज बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। आज जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है उनमें से कुछ तरीके तो लोकतंत्र की जड़ पर ही प्रहार कर रहे हैं। यदि कानून का शासन समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि कानून को निरंतर तोड़ा जाएगा और व्यवस्था को भंग किया जाएगा तो लोकतंत्र स्थापित नहीं रहेगा। इस स्थिति में लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि पुलिस और मजिस्ट्रेटों को कितनी नाजुक और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है कि सदन में कितनी बार पहले शिकायत की गई कि पुलिस समय रहते कार्यवाही नहीं करती, और मान लीजिए यदि किसी दुकान के लूटे जाने अथवा किसी अन्य हिंसा के होने से पहले पुलिस कड़ा कदम उठाती है तो भी उसकी आलोचना की जाती है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। अगेन, यस, राइट डाउन। महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक जीवन प्रणाली पर, हमारे आदर्शों पर और हमारी उन परंपराओं पर हमला है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही हैं। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं, चाहे आप गांधी जी को लें, चाहे मेरे पिता को। उन्होंने हमारा रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षाओं से बनाया। उन्होंने अहिंसा शब्द को एक आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसे जाते थे, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है जहां किसी लोकतंत्र में इतनी बड़ी बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी इस प्रकार विभाजित विपक्ष की बातों को इस प्रकार बर्दाश्त कर रही हो। विपक्ष को लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी कुछ लोग इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो आज बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। आज जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है उनमें से कुछ तरीके तो लोकतंत्र की जड़ पर ही प्रहार कर रहे हैं। यदि कानून का शासन समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि कानून को निरंतर तोड़ा जाएगा और व्यवस्था को भंग किया जाएगा तो लोकतंत्र स्थापित नहीं रहेगा। इस स्थिति में लोकतंत्र का अस्तित्व ही रह नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि पुलिस और मजिस्ट्रेटों को कितनी नाजुक और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है कि यस, पढ़ने के लिए आप रेडी रहिए। यस, ये जो क्वेश्चंस आपने लिखी अच्छी तरह से लिख लिया? यस महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक जीवन प्रणाली पर,
हमारी आदर्शों पर और हमारी उन परंपराओं पर हमला है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही हैं। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं, चाहे आप गांधी जी को लें, चाहे मेरे पिता को। उन्होंने हमारा रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षाओं से बनाया। उन्होंने अहिंसा शब्द को एक आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसे जाते थे, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है। जरा पढ़े सर, मैं पहले श्रेयस पढ़ेंगे। महोदय, मैं समझता हूँ कि यह एक जीवन प्रणाली पर हमारे आदर्शों पर और हमारी उन परंपराओं पर हमला है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही हैं। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं, चाहे आप गांधी जी को रास्ते ऐसे प्राचीन प्राचीन शिक्षाओं शिक्षाओं को अपनाए किसी होने से वे और अपनी स्वतंत्रता किसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था लोग समझते थे मुझे याद है जब मैं छोटा था लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और ताने कसते थे, लेकिन हमारा विश्वास था हम सही मार्ग पर हैं और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस प्रकार चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र इस पर चलकर अपने मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है। जरा उपाध्याय जी इसको पढ़िए। यस सर, ये लोग फिर मिलाएंगे, आप इस लिहाज से पढ़ेंगे और स्पीड जो है आपकी पढ़ने की स्पीड 160 वर्ड्स की होनी चाहिए। जी सर, क्योंकि 180 वर्ड्स का डिक्टेशन है तो उसको 160 वर्ड से आपको पढ़ना है। महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक जीवन प्रणाली पर हमारे आदर्शों पर और हमारे उन परंपराओं पर हमला है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही है। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं, चाहे आप गांधी जी को ले, चाहे मेरे पिता को। उन्होंने हमारे रास्ते हमारी प्राचीन शिक्षाओं हमारा रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षाओं से बनाया। उन्होंने अहिंसा शब्द को एक आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसे जाते थे, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जरा इसको प्रखर। महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक जीवन प्रणाली पर हमारे आदर्शों पर और हमारी उन परंपरा पर हमला है आज हमारे लिए अब तक ठीक करो जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही हैं।
हमारे अपने देश में कुछ हमने अपने देश में कुछ विशिष्ट रास्ते अपनाए हैं, चाहे आप गांधी जी को लें चाहे मेरे पिता को। उन्होंने हमारे रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षा से बनाया। उन्होंने हिंसा के शब्द को ले शब्द को आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग पूरी तरह से भी नहीं समझते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसते थे, लेकिन हमारा विश्वास कसे जाते थे। और लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे। यही सही रास्ता था और हम इस पर चल कर अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है। गुड, थोड़ा सा और एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। जरा इसी को दीपक। यस सर। या मनीष है? कीर्ति? जी सर। कीर्ति आप इसी को पढ़ो जरा। कीर्ति जी सर। महोदय, मैं समझता हूँ कि यह एक